गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन ऑन आदि माइंड ट्यूटोरियल्स। आज फिर हम एक नए अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं एंड आइए बात करते हैं कि व्हाई इंडिया सेलिब्रेट नेवी डे ऑन 4 दिसंबर। हर एक साल भारत 4 दिसंबर को ही नेवी डे क्यों सेलिब्रेट करता है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि द इंडिया सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी ऑफ नेवी मैन हु बॉट विक्ट्री टू कंट्री इन 1971 इंडो पाक वॉर। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की एक लड़ाई हुई थी जिसमें इंडिया जीत हासिल की थी। तो उसी जीत को हर साल जश्न की तरह मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर वायु हमला किया था, जिसका जवाबी हमला भारत ने ऑपरेशन ट्रीडेंट के नाम पे पाकिस्तान की तरफ किया था, जो कि 4 दिसंबर 1971 में हुआ था। इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे शिप्स और वेसल को मार गिराया था भारतीय सेनानियों ने, और जो कराची हार्बर के पास हुआ था। पाकिस्तानी सेना कम से कम तकरीबन 500 के अप्रोक्स मारी गई थी। इसमें भारत के पास 3 ऐसे बड़ी शिप्स थी जिन्होंने पूर्ण योगदान दिया था इस जीत के पीछे। पहला था INS निपट, दूसरी था INS निर्गत, तीसरा था INS वीर। ये जो लड़ाई थी ये तकरीबन 1.5 घंटे के करीब चली थी, जो कि 4 दिसंबर 1971 में हुई थी। इसमें भारत ने किया गया था कि भारत पानी के रास्ते से धीरे धीरे गुजरात ओक पोर्ट के साइड से होते हुए कराची हार्बर तक गया, और वहां पे फिर जाके उसने पाकिस्तान के बहुत सारे वेसल्स को नष्ट किए। इस लड़ाई में तकरीबन भारत ने 6 मिसाइल चलाई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट और अनोखी बात यह है कि भारत का कोई भी वीर सेनानी इसमें शहीद नहीं हुआ था। मतलब भारत ने ये लड़ाई जीती बिना ही किसी वीर सेनानी के कुर्बानी के, एंड इसी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल वॉर कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, क्योंकि किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी इसमें, कोई भी वीर सेनानी इसमें शहीद नहीं हुआ था। एंड इसी चीज को हर एक साल याद रखने के लिए कि उन जो हमारे सोल्जर थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे प्रति, उनको बताने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए हम हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। एंड नाउ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे आदि माइंड ट्यूटोरियल्स, और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं बहुत सारी चीज़ों की, जो कि सैनिक से रिलेटेड है, डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड है, जैसे RIMC राष्ट्र मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, कैप्टन मनोज पांडे UP सैनिक स्कूल। हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, कॉल करें हमें ज्वाइन करने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ऐसे अनेकों इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।